हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल झटपट फूड रेसिपी में। पापड़ को हम सब हमेशा फ्राई करके ही रोस्ट करके ही खाते हैं, बट आज हम पापड़ को कुछ नई तरीके से ट्राई करेंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं आलू पापड़ की सादी सब्जी। आइए हम देखते हैं आलू पापड़ की सब्जी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की जरूरत है। मसाले में हमने थोड़े से खड़ा जीरा लिया हुआ है, थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, थोड़ा सा सॉल्ट लिया हुआ है मैंने, थोड़े से हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया हुआ है, थोड़े से जीरा धनिया पाउडर और सब्जी मसाला दोनों ही एक छोटे छोटे स्पून का एक एक स्पून लिया हुआ है मैंने, और थोड़े से हाफ स्पून शुगर रखा हुआ है, और एक मीडियम साइज अनियन हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, और ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक ये मैंने तीनों ही थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ा एक में जिंजर का और चार कलियाँ मैंने गार्लिक की ली हुई है, और थ्री हमने हरी मिर्च लिया हुआ है, और टोमेटो एक मीडियम साइज टोमेटो हम फाइन चॉप करके रखे हैं, और फोर मीडियम साइज आलू को मैंने मीडियम कट करके रखा हुआ है मीडियम पीसेस में, और हमने जो नॉर्मल पापड़ खाते हैं उस पापड़ दो पापड़ का हमने फोल्ड करके पीसेस बना के रखे हुए हैं। पापड़ हमारे मार्केट वाले ही हैं, जो मिक्स दाल की पापड़ आती है मसाले वाली, वो पापड़ मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो जो भी पापड़ आप घर में यूज़ करते हैं दाल की, वो यूज़ कर सकते हैं। आइए हम झटपट आलू पापड़ की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने गैस ऑन कर दिया है, हमने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। सबसे पहले हम रिफाइंड ऑयल से पापड़ को तल लेंगे। पहले सारे पापड़ हम तल के रख लेंगे। सारे पापड़ हमने तल लिए हैं, ये हमने पापड़ तल के रख लिया है सारा। अब हम मस्टर्ड ऑयल से कुकिंग करेंगे। तेल गरम हो गया है, हम सबसे पहले इसमें जीरा ऐड करेंगे, और हमने एक पिंच हल्दी पाउडर और एक पिंच सॉल्ट हम जैसे ऐड करते हैं पहले ही, ताकि तेल के छींटे बाहर ना आए। अब जैसे ही जीरा चटकने लगेगा उसमें सबसे पहले अनियन डाल देंगे। अब ये हल्का उसमें ब्राउन होने से पहले ही हम उसमें आलू ऐड करते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल से कुकिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल से भी कर सकते हैं। पापड़ की सब्जी में मस्टर्ड ऑयल से बनाने से उसमें फ्लेवर अच्छा आता है, तो मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। आलू फ्राई हो रहा है, इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें बीच में जो हमने शुगर रखा था वो ऐड कर देंगे। शुगर मैं पहले यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो जल जाता है तो सब्जी में कड़वेपन आ जाता है। तो लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये लाइट ब्राउन हो रहा है मसाले रेडी कर लेते हैं। अब जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली इसमें ऐड कर देंगे। टमाटो जो मैंने चॉप करके रखा वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमारे हमने जो मसाला पाउडर लिया था वो भी हम इसमें ऐड करके साथ में ये ब्लेंड कर लेंगे, तो मसाला अच्छे से फूल जाता है। आलू ब्राउनिश हो गया है, लाइट ब्राउन कलर हो ही गया है आलू के। अब हम इसमें हमने जो मिक्सर में सारे मसाले ब्लेंड किए थे वो मसाले इसमें अब ऐड कर दूंगी मैं। ये पापड़ की सब्जी बहुत ही अमेजिंग बन के रेडी होती है। अक्सर हम होली के बाद सोचते हैं कि हमें कुछ लाइट खाना है, बट डिफरेंट खाना है, कि नेक्स्ट डे हमें हमेशा ही लगता है कि कोई लाइट मसाले का खाना हो जाए और डिफरेंट हो तो अच्छा हो। ये सोच के मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर कर लिया पापड़ की सब्जी। ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है। सॉल्ट भी हम ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस सब्जी में मसाले का बहुत कम यूज़ करते हैं। मसाले को अब हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करके पानी डाल देंगे। अब मसाला फ्राई हो गया है, अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। आलू
पानी हम हिसाब से डालेंगे, हमें थोड़ी सी कड़ी कड़ी रखनी है और आलू अच्छे से पक जाए उस हिसाब से हम वाटर ऐड करके मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक पकने देंगे। अब हम चेक करते हैं करेंगे आलू अच्छे से पका है कि नहीं। आलू हमारे पक गए हैं अब, और ग्रेवी में भी थिकनेस आ गई है। तब हम इसमें हमने जो पापड़ फ्राई करके रखा हुआ था वो पापड़ हम मीडियम साइज के करके इसमें ऐड करेंगे और गैस के फ्लेम को कम रखेंगे। पापड़ ऐड करने के बाद हम 2 मिनट उसको एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ी ग्रेवी को लिक्विड रहते ही आप पापड़ ऐड करें क्योंकि पापड़ भी थोड़ा सा ग्रेवी सोक करेगा, तो उस हिसाब से हमें ग्रेवी रखना है। और अभी ये पापड़ की सब्जी बनके रेडी है। फाइव मिनट हो गया है, 5 मिनट हम इसलिए ढक के रखेंगे कि पापड़ अच्छे से ग्रेवी अब्सॉर्ब कर ले और हम इसको सर्विंग बाउल में। ये हमारे आलू पापड़ के सब्जी बन के रेडी है। आप इसको स्टीम राइस के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आप चाहें तो इसे रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। जब भी आपको कुछ हल्का और लाइट खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को अपने किचन में जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।